इटली वालों हो जाइए पूरी तरीके से तैयार, मास्क को रखिए पास, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को दिल्ली के आनंद विहार में वायु गुणवत्ता इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है। AQI की बात करें तो 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच सैटिस्फाइड, 101 से 200 के बीच मीडियम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर श्रेणी माना जाता है। लेकिन दिल्ली में तो शनिवार से पहले शुक्रवार की सुबह में भी अलग अलग जगहों पर वायु प्रदूषण कहीं मीडियम तो कहीं खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता शाम करीब 7 बजे तक 190 था। दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान औसत से 1 डिग्री नीचे 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। IMD के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी 79% और 45% के बीच रही। मौसम विभाग ने शनिवार को आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली में अधिकतर और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 और 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि रविवार 22 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश हो सकती है, जिससे प्रदूषण में राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ दिल्ली NCR में सुबह के वक्त ठंड महसूस होने लगी है। शनिवार सुबह से ही दिल्ली NCR में हल्की धुंध देखने को मिली है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगा। 201 से 300 के बीच बहुत खराब माना जाता है AQI। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।